वित्त आयोग के तहत जिला परिषद को मिले फंड के तहत अब सुदूरवर्ती गांव का होगा विकास। लंबे अंतराल के बाद हुई इस बैठक को लेकर जिला परिषद सदस्यों में भी नाराजगी देखी गई। जिला परिषद सदस्यों का आरोप था कि एक तो उन्हें फंड मुहैया नहीं कराया जाता है, ऐसे में अपने क्षेत्र का विकास करे तो कैसे। अभी राज्य सरकार के द्वारा 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। क्षेत्र के विकास योजनाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो भी योजनाएं जिला परिषद सदस्यों के द्वारा लिस्ट बनाकर के जिला परिषद के अधिकारी को मुहैया कराया जाएगा उसका विकास 15वें वित्त आयोग के फंड से किए जाने की बात अधिकारियों ने भी की। इसका रोड मैप जिला परिषद की बैठक COVID-19 के कारण लंबे अंतराल के बाद जिला परिषद सदस्यों के साथ जिला परिषद अध्यक्ष और विधायक विरंची नारायण के साथ साथ अधिकारी उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में परिषद अध्यक्षा सुषमा देवी ने कहा कि जिला परिषद में फंड मुहैया नहीं होने के कारण इतने सालों तक विकास का काम रुका है। जन प्रतिनिधि होने के नाते अब जनता को जवाब देने में भी नहीं बनता है, ऐसे में जिला परिषद को पहले भी फंड मुहैया कराया जाना चाहिए था। भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि जिला परिषद में फंड मुहैया कराने के मामले को लेकर विधानसभा में इस बात को उठाया जाएगा कि जिला परिषद को भी हमेशा फंड मिलता रहे ताकि सुदूरवर्ती गांव का विकास हो सके। उप विकास आयुक्त और जिला परिषद के अधिकारी जय किशोर प्रसाद ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत जिला परिषद के सदस्यों की सूची के अनुसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करना है, जिसके तहत यह बैठक बुलाई गई है। जिला परिषद सदस्य अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं का लिस्ट दे दे तो उस पर जिला प्रशासन आगे की रूपरेखा तैयार करेगी। इसके लिए सदस्यों को 1 सप्ताह का समय भी दिया गया है ताकि वह लिस्ट मुहैया करा सके। पिछले दो साल नहीं, हम तो कहेंगे कि जब से जिला परिषद सदस्य का चुनाव हुआ है तब से लेकर अब तक सदस्यों के द्वारा जो क्षेत्र का जन समस्या रहता है वो जन समस्या इस सदन में रखते आए हैं, लेकिन सदस्यों का अपेक्षित हमेशा किया गया है और जो जन समस्या क्षेत्र का रहता है वो समस्या का निदान ये सदन से हम लोग अपेक्षा करते हैं। क्योंकि हम लोग को भी जो लोग वोट किए और हम लोगों को इस सदन में भेजें तो निश्चित रूप में हम लोग भी प्रयासरत रहें अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति कि वहाँ का जो भी मूलभूत समस्या रहा उस समस्या को हम लोग इस सदन के माध्यम से हल कराएँ, समाधान कराने का प्रयास करते रहें। बाद बैठक यह हो रही है चूँकि कोविड का संकट काल था, भौतिक रूप से जिला परिषद का बैठक नहीं हो पाया, लेकिन जहां तक संतुष्टि की बात है तो इस पूरे कार्यकाल में जिला परिषद के कोई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि उनके अनुशंसा पर कोई भी उनके क्षेत्र में विकास का काम जितना अपेक्षित था उतना नहीं हुआ। हाँ, एक आध कहीं पर किसी के क्षेत्र में हुआ होगा, तो दुखी तो सभी जिला परिषद के सदस्य हैं। अब तो ये समझिए कि एक्सटेंशन काल में 6 महीना में एक्सटेंशन में सभी जिला परिषद के सदस्य चल रहे हैं, लेकिन अभी चूँकि मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी महोदय नए आए हैं, इनका एक पहल है, इनका प्रयास है, इनके आश्वासन पर हम लोगों को थोड़ा संतुष्टि है कि शायद इनके कार्यकाल में जो अब हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं जाते जाते कुछ काम हो जाए, इसी आशा विश्वास के साथ आज इस बैठक में हम लोग आए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा, उसमें कोविड के चलते कुछ दिक्कतें आई और आज 15वें वीक से जो काम होने वाला है कुछ फंड आए हैं उसी के से संबंधित बैठक आज था, उसमें सभी सदस्य बहुत खेद प्रकट किए कि जैसे अनुशंसा हम लोग का हम लोग को पता भी नहीं चलता कि हम लोग जो अनुशंसा करते हैं और जब शिलान्यास होता है उसमें हम लोग को बुलाया नहीं जाता है, इसमें सभी सदस्य खेद भी जताए हैं। उसमें जीडी साहब आश्वासन दिए हैं कि सभी सदस्य को माननीय सदस्य को आगे से ऐसे दिक्कत नहीं आएगा। सरकार जिला परिषद को मजबूत करे, क्योंकि जो सदस्यों की भावनाएं थी वो यही थी कि हमें अवसर मिल नहीं पाता है और विधायक के तर्ज पर जैसे विधायकों को फंड मिलता है, राशि मिलती है विकास के लिए, अच्छा होता अगर जिला परिषद के सदस्यों को भी राशि मुहैया होती तो विकास का कार्य और ज़मीन पर नजर आता। मैं इस विषय को विधानसभा में उठाऊंगा गंभीरता से। इस बार जो सत्र चलने वाला है मानसून सत्र, उस सत्र में जिला परिषद को और ताकतवर बनाया जाए, कैसे ताकतवर बनाया जाए इस विषय को मैं जरूर विधानसभा में रखूँगा, उठाऊँगा। हम लोगों का मेन आज था कि 15वें वित्त आयोग में सरकार के द्वारा कुछ निर्देश प्राप्त हुए थे और नए नए निर्देश प्राप्त हुए थे जिसमें एक मुद्दा जो था वो बोरिंग का था,
कि बोरिंग के माध्यम से जो सोलर पंप लगाया जाता है उसकी एक अलग से एडिशन हुई है सरकार के द्वारा। पहले होता क्या था कि चापाकल में वो लगाया जाता था, जिसके कारण कभी कभी चापाकल अगर फेल्योर हो जाता था तो आपकी जो पानी की व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो जाती थी। लेकिन बोरिंग का प्रावधान किया गया है तो इससे ये होगा कि से कम निर्बाध रूप से पानी की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगी और अन्य योजनाओं का भी चयन हम लोग इसमें कर रहे हैं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो क्या फाइन सवक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले कैमे से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें, जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. Welcome to Arabia, Saudi.